हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 26 जनवरी शुरुआत करने से पहले सबको गणतंत्र दिवस की यानी कि रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को डाउनलोड कर सकते हो एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा सेवेंटी रिपब्लिक डे पी के लिए ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से ऐप डाउनलोड कर लो सारे पीडीएफ आपको ऐप आप पे एक साथ मिल जाएंगे तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सबसे पहले ये पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट देखो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिविजन भी हो रहा है सो so, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम ऑरिएटेड क्वेश्चन रहते हैं इनको आप स्किप नहीं करें इनके आंसर्स बताने की कोशिश करें पहले खुद से वीडियो को पॉज करें कोशिश करें कि आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन चाहे आप एक बता पाएं दो बता पाएं या जितने भी बता पाएं डजेंट मैटर बिकॉज यहाँ चीज़ें आप सीख रहे हो एट दी एंड आपको परफॉर्मेंस एग्जाम में देनी है सो एग्जाम रेडी होने के लिए इन क्वेश्चन को आपको पहले गो थ्रू जरूर करना है तो आंसर्स भी मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा प्लान है कि मैं इसको पाँच से दस क्वेश्चन बनाने की सोच रहा हूँ बट इसके लिए मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए तो पार्टिसिपेट आप कैसे करेंगे आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे इससे एक आइडिया लगेगा कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन क्वेश्चन में सो so डैट कि मैं मेरे को भी एक मोटिवेशन आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट से ही मिलता है तो इतना मेक इट श्योर कि आप इतना करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाइक व्हाट्स द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया विलेज थ्रू मोबाइल फोन एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है एक सर्वे हो रहा है मोबाइल फोन्स के थ्रू तो आपको इसका सर्वे का नाम बताना है सेकेंड क्वेश्चन इज इन द नाइनटीन मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फाइव ईयर एक्शन प्लान टू री इंट्रोड्यूस विच एनिमल इज प्रपोज ये बताइए किस एनिमल की बात कही गई है थर्ड क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स

ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान एंड कोरिया तो आपको बताने कि इस एक्सरसाइज का क्या नाम है शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सो so, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल इन विच इंडियन स्टेट हैज बिन रीनेम्ड आफ्टर कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी लेट जनरल बिपिन रावत तो बिपिन रावत जी के नाम पे स्कूल को रीनेम किया गया सैनिक स्कूल है आपको बताना है कि कौन से इंडियन स्टेट में तो ये आगरा में स्कूल है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपसे ये पूछ ले कि uh, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो लाइक लेट जनरल बिपिन रावत कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे बेसिकली तो ये उत्तराखंड के थे एंड सैनिक स्कूल का नाम बदला गया इनके नाम पर रखा गया यूपी सरकार द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर याद रखें आगे बढ़ते हैं इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस्ड लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म फॉर्म फॉर इट्स पर्सनल ड्यूरिंग द आर्मी डे परेड तो आपको इस बताना है ये जो न्यू यूनिफॉर्म आप देख रहे हो ये ज़्यादा फ्रेंडली है लाइक अगर मैं बात करूँ जैसे हमारे इंडियन आर्मी के जवान देखो कई ऑपरेशन होते हैं कहीं जंगलों में जाना या डेजर्ट्स में ऑपरेशन होते हैं तो ये यूनिफॉर्म आप देख रहे हो इसका टेक्स्चर इस तरीके का इस तरीके का कलर है तो ये ज़्यादा बेटर अडोप्ट कर सकती है एट लाइक डिफरेंट सिचुएशंस में ओके तो आपको ये बताना है बेसिकली इसमें कॉटन एंड पॉलिस्टर है तो आपको इसका रेशियो बताना है देखो हमारे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है सो so, इसमें सेवेंटी रेशियो थर्टी ही आपको मिलेगा इसका रेशियो है कॉटन एंड पॉलिस्टर का तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड सॉट ए बैन ऑन द इलीगल सेल ऑफ एपल्स फ्रॉम विच कंट्री तो किस देश से इलीगल सेल्स सेल हो रही है जो एप्पल्स की इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है हमारे जे एंड के हिमाचल एंड उत्तराखंड सरकार द्वारा सो ईरान इज द करेक्ट आंसर याद रखें आगे बढ़ते हैं विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जिन्हें सम्मानित किया गया नेताजी अवार्ड 2022 से तो बताना है शिंजो आबे किस देश के फॉर्मर पीएम थे एंड यू नो रिपब्लिक डे वाले दिन यानी कि रिपब्लिक डे पे अभी हमारे अवार्ड्स भी अनाउंस हो गए हैं पद्म लाइक जो पदमा अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे हमारे जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया पॉस्टिम सिलीड्स को नीरज चोपड़ा को उसका मैं पूरा लिस्ट लाऊंगा डोंट नीड टू वरी एंड उसका लिस्ट मैं जल्दी ही शेयर करूंगा एक फुल फ्लैज वीडियो बनाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको याद रखने हैं 2022 पद्म अवार्ड्स से तो वो सारी चीज़ें आपको सा, आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ इसमें किस देश के प्राइम मिनिस्टर ये इनकी बात पूछ रहे है। इनको आपको याद होगा 2021 में लाइक पब्लिक अफेयर में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तो हम बात कर रहे हैं जापान के जार, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नेक्स्ट yeah. ये कुछ डिटेल्स भी दी गई है इसमें ओके 21 जनवरी 2022 मार्क्स द फिफ्टी एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑफ द फॉलिंग ग्रुप ऑफ स्टेट सो ये स्टेट्स हैं हमारी मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा ओके पचासवीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की फाउंडेशन डे स्टेट्स इन तीनों स्टेट्स ने अपना ऑब्जर्व किया बेसिकली ये तीनों स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज डिक्लेयर की गई थी 1950 हंड्रेड फिफ्टी के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ओके okay, अगर मैं अगर ओरिजिनली बात करूँ तो मणिपुर एंड त्रिपुरा वर प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के साथ एब्जॉर्व हुई थी फोर्टी uh, नाइन में यानी कि नाइनटीन में दैन उसके बाद जो मेघालय था वो आसाम का एक पार्ट हुआ करता था देन उसके बाद स्टेट्स इनटू इनटू बीइंग द ईस्टर्न एरियाज री ऑर्गेनाइजेशन एक्टीन तो उसके बाद इस नॉर्दर्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत फिर उसके अब पचास साल उसके अकॉर्डिंगली हो गए तो ये आप याद रखें विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली बैन थर्टी फाइव पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल्स सो ये बैन किया गया जी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सो इनका कुछ अलग ही चल रहा था इंडिया के खिलाफ ओके okay? तो so, इस वजह से डिसाइड किया गया एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही है जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं एग्जैक्टली अश्वनी वैष्णव द साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज हैव क्रिएटेड ए क्लाइमेटर्ट्स एंड वलिटी एटल्स ऑफ इंडिया अलग एक डिफरेंट एटलिस बनाया गया हमारे साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस द्वारा तो आपको ये बताना है इसमें सी आर एस ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन तो ये ऑपरेट करती है अंडर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसिस के अंडर एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसिस के जो मिनिस्टर हैं व्य हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आप याद रखें एंड uh, मृतमुंजय महोपात्रा का नाम याद रखें जो डायरेक्टर जनरल है आई के And he is also known as the Cyclone Man of India. Union Power Secretary chaired the second meeting of steering committee for national mission for use of biomass in coal-based thermal power plants. So now is mission nam. This mission is also known as. So this mission is also known as Samarth. Basically, prime objective is to reduce the stubble burning in different areas of India and uh, इसमें आपको बाकी इसमें आलोक कुमार का नाम याद रखिए पावर सेक्रेटरी है क्योंकि न्यूज़ में रहता है तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड समर्थ का जो फुल फॉर्म है ये भी आप ध्यान रखें हमारे पावर मिनिस्टर एंड जो हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीनबल एनर्जी हैं आर के सिंह है वो आपको ध्यान रखना है एंड पावर सेक्रेटरी लाइक पावर सेक्रेटरी तो मैं आपको बता चुका हूँ समर्थ की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा सस्टेनेबल एग्रेडियन मिशन फॉर मिशन ऑन यूज़ ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स विच कंटेंट क्रिएटर हैज़ ब्रिकेम इंडिया फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चेंज चैम्पियन तो इन्हें अवार्ड दिया गया हमारे इंडिया की हैं ये यूट्यूबर हैं लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर हैं इनका नाम है जी प्रजक्ता कोहली ओके okay, प्रजक्ता कोहली एंड बेसिकली इन्हें क्यों सम्मानित किया गया काफी से जो जो तो health, okay, education, education ये काफ़ी टाइम्स लाइक ये जो इशूज़ उठाती हैं टूवर्ड्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ओके वुमेन राइट्स एंड गर्ल्स एंड एजुकेशन एजुकेशन के रिलेटेड ये सोशल कैंपेन चलाती हैं सोशल मीडिया कैम्पेन्स चलाते हैं प्रजक्ता कोहली तो इन्हें चुना गया इंडिया फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चेंज यूथ क्लाइमेट चैंपियन और नाम आप याद रखें आगे बढ़ते हैं स्टेट लॉन्च अपना कांग, का, अपना कांगड़ा ऐप अप। कांगड़ा बेसिकली कांगड़ा आप लोग जानते हो ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हिमाचल में आप लोग जानते हो मकलोडगंज काफी लोग आते रहते हैं धर्मशाला शिमला यहाँ काफी लोग आते हैं विजिट करने टूरिस्ट काफी रहते हैं तो वहाँ के जो लोकल लाइक हैंडी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अपने लिए लाइक कुछ छोटे मोटे आइटम्स वहाँ के बनते हैं बेसिकली तो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और ईज़िली जो टूरिस्ट आते हैं जो बाहर से फॉरनर्स हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश उन तक वो सारी चीज़ें पहुँचाई जा सकें एक ऐप बनाया गया तो अपना कांगड़ा ऐप इसे लॉन्च किया गया जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के याद रखें आगे बढ़ते हैं नेशनल नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया नेशनल टूरिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है सो so इसे ऑब्जर्व किया जाता है पच्चीस जनवरी को एंड कमेंट डाउन टूरिज्म मिनिस्टर मिनिस्टर टूरिज्म का नाम आप कमेंट करके बताइए मुझे हमारे काफी जाने माने हिस्टोरियन थे आर्कोलॉजिस्ट थे एंड एपीग्राफिस्ट थे फ्रॉम तमिलनाडु रामचंद्र रामचंद्रन नागास्वामी इनका भी निधन हो गया याद रखें एंड लाइक डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी तो भी ये रहे थे एंड उसके बाद टेम्पल इंस्क्रिप्शन के डिजाइन देखते हो मैक्सिमम जो तमिलनाडु में तो उसके लिए ये काफी ज्यादा फेमस थे तो एग्जाम में पूछा जा सकता है रिलेटेड फील्ड पूछी जा सकती है आपसे तो ये आप ध्यान रखें स्टेट और यूटी रिसेंटली इशूड इज कास्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन मदर्स क्रेडिशल विच प्रीवियसली इशूड बेस्ड ऑन फादर कास्ट सर्टिफिकेट देखो ये किया गया जी एक काफ़ी ऐतिहासिक फ़ैसला है दिल्ली द्वारा बेसिकली अब इसमें क्या इसका क्या मतलब है देखो अगर कोई वूमेन है एंड लेट्सपोज uh, वो डिवोर्स है उसको उसको डिवोर्स दे दिया गया उसके हस्बैंड द्वारा तो आप लोग जानते हो अगर उसका कोई लाइक like, अगर कोई भी जैसे चाइल्ड है तो उसकी जो कास्ट चलती थी वो उसके फादर के पे ही चलती थी लाइक अगर वो डिवोर्सी है या विडो हो चुकी है तो ना अब ये काफ़ी टाइम से एक केस में चल रहा था ना अब इसमें यह चीज़ आएगी अब जो मदर्स का बेसिकली जो उनकी अगर जैसे कोई एस है मदर का कास्ट एस है तो उसके आधार पे उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है बच्चे को ओके सिंगल पेरेंट का ठीक है अगर कोई सिंगल पेरेंट है बच्चा उसके सिंगल पेरेंट है तो उसकी मदर के अकॉर्डिंग उसको मिला ठीक है तो ये एक फैसला था बेसिकली तो ये न्यू दिल्ली सरकार द्वारा मतलब दिल्ली में ये फर्स्ट टाइम हुआ इस्ट एंड इतिहासिक काफ़ी टाइम से चल रहा था केस में तो ये आप याद रखें दिल्ली सुनाओ so अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर में शेयर कर लेता हूँ आपसे आपको बताना था लाइक कंट्रीज फर्स्ट कल्चर सर्वे ऑफ इंडिया विलेज थ्रू मोबाइल इसका नाम क्या था इसका नाम है मेरा गाँव मेरा धरोहर ये आप ध्यान रखें नाइनटींथ मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में जो एनिमल की बात कही गई वो किया गया चीता विच कंपनी हैज है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स आई सी वन फाइव ये क्रिप्टो वायर द्वारा स्टार्ट किया गया एंड किसने इनाग्रेट किया कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड इस एक्साइज का नाम एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्साइज जिसे सिक्स नेशन इंडो पैसिफिक नेशन द्वारा कंडक्ट किया गया इसका नाम है सी ड्रैगन तो आई विश कि आपने आई होप कि आपने ज़रूर कोशिश की होगी बताने की क्योंकि देखो अगेन इतना कहूँगा कि आपके पार्टिसिपेशन इज़ द मोटिवेशन फॉर मी क्योंकि एट दी एंड मेरे को लाइक like, एक्स्ट्रा काम करना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे सो आई वॉन्ट आई एम विलिंग टू डू बट लाइक आई नीड यूर स्पो दिस इज़ अ थिंग एंड वो आपको करना है बाकी इसके बाद आप लोग ये आंसर मुझे बताएं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विच मटीरियल विल बी यूज फॉर द स्टेच स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो आपको बता रहे हैं कि कौन से मटेरियल को यूज़ किया जाएगा दिस इज़ द क्वेश्चन तो सभी कमेंट करके बताएं इसका आंसर एंड जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे मैं ज़रूर चाहूंगा कि आप लोग बताएं एंड मैं कोशिश पूरी करूंगा कि 10 क्वेश्चंस में लाऊं यकीन मानो वो जो सीरीज जो 10 क्वेश्चन रहेगी अगर आप पर मंथ 300 हंड्रेड क्वेश्चन सीखेंगे नहीं थ्री हंड्रेड और रिवीज़न भी आपका काफ़ी अच्छे से होगा तो यकीन मानो करंट अफेयर में दिक्कत नहीं आएगी एंड जो दस क्वेश्चन स्टार्टिंग में लाऊंगा मैं वो आप लोग लेवल देख ही रहे हो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का मैं इतना भी कहूँगा कि अगर आप मुझे बोलोगे कि डेली करंट अफेयर्स में से आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए एट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अब पाँच से छः क्वेश्चन उसको रहते ही हैं जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते स्टिल क्वेश्चन कुछ रहते हैं जो हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे कौन से स्किप करने हैं बट इतना आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाले पोर्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी है एंड फ्रॉम माई साइड आई एम रेडी बाकी आप लोग लाइक करें वीडियो को उसी के अकॉर्डिंगली मेरा भी आपको क्वेश्चन जरूर मैं बढ़ा के आपके साथ शेयर करूंगा बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ आज रिपब्लिक डे है वेल जो भी है मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ टेक केयर सी यू सून